भगौरे नियोजित शिक्षक राजकर्मी अब नहीं बन सकेंगे, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भी लिख दिया है। पत्र में 6 माह पहले गायब शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है। के पाठक ने अपने पत्र में कहा कि पिछले 6 महीने से नियोजित शिक्षकों की निगरानी की जा रही है, जिससे किसी भी तरह की अनियमितता पाई गई है। इस आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की है। बिना स्वीकृति के अनुपस्थिति पर बड़ी संख्या में शिक्षकों का वेतन काटा गया है, लेकिन अन्य गंभीर मामलों में निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई की जब समीक्षा की गई तो 5 चाल की नियोजन इकाइयों ने विशेष तौर पर कार्रवाई नहीं की है। कई नियोजित शिक्षक महीने से अनुपस्थित रहे। गायब शिक्षकों को के पाठक ने 2 चरणों में बांटा है। वैसे शिक्षक जो 6 महीने से काम और जो 6 महीने से अधिक अवधि से गायब है, 6 महीने से कम अवधि से गायब नियोजित शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी, लेकिन 34 शिक्षक ही नियोजन इकाइयों द्वारा निलंबित किए गए हैं। ऐसे ही कुल 582 नियोजित शिक्षक हैं, जिसमें कई तो 2 साल से अधिक समय से गायब हैं। ऐसे सभी मामलों में बर्खास्तगी निलंबन की अनुशंसा की गई है, लेकिन सिर्फ 13 शिक्षकों की बर्खास्ती हुई है और 10 शिक्षक निलंबित हुए हैं। के पाठक ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव माहिर कुमार सिंह के अनुरोध की है कि जिला स्तरीय पदाधिकारी से इस मामले की समीक्षा कराएं, ताकि इन शिक्षकों पर त्वरित गति से कार्रवाई हो सके। के पाठक ने आगे कहा कि अब ये नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी बन चुके हैं, ऐसे में उनकी समक्षता परीक्षा भी ली जा रही है। भगौरे नियोजित शिक्षकों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी, ताकि ये राज्य कर्मी ना बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।